हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रवि भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के सारे टेक्निकल नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज डायलॉग बॉक्स के थर्ड टाइप, जो है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज क्यों करते हैं। डिस्प्ले ए डायलॉग बॉक्स टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, मतलब अगर आपको यूजर के थ्रू कुछ भी इनपुट लेना होता है तो इसके लिए हम लोग प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमारा पिछला प्रोग्राम है, इसी में प्रोग्राम में एडिट करके मैं आपको प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन मान लीजिए मैं F1 नाम से फंक्शन क्रिएट करता हूँ और इस फंक्शन के स्टार्ट किए, फंक्शन को क्लोज किए। इस फंक्शन में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेयर मान लीजिए str नाम से ही मैं एक वेरिएबल क्रिएट करा रहा हूँ, जहाँ पर हम प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पहले लिख लेंगे प्रॉम्प्ट, देन ब्रैकेट में हम लोग डबल इनवर्टेड कॉमा में वो मैसेज दिखाएंगे जो आप प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैं वापस वही मैसेज दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ऐसा एक मैसेज बॉक्स दिखाएंगे। देन यहाँ पर सेमी कॉलन इंटर, तो जो भी पर्सन यहाँ पर अपना नाम इनपुट करेगा, उसके बाद अलर्ट के थ्रू हम लोग एक और डायलॉग बॉक्स प्रिंट करेंगे जहां पर हम उसके नाम को इनपुट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलर्ट, देन ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं मैसेज में लिख देता हूँ माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज, देन यहाँ पर प्लस str, ठीक है, इस जो वैल्यू होगी उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को आपको कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आप दो तरीका है, या तो आप इसको डायरेक्टली कॉल कर लीजिए या तो किसी भी बटन के थ्रू भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। देखिए, इसको सेव किए, देन रीलोड करते हैं। जैसे आप रीलोड करेंगे तो देखिए मैसेज में क्या आ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। देन देखिए कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स है, सॉरी प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है, जहाँ पर आपको इनपुट करने के लिए बोल रहा है। तो आप अपना नाम डाल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, नाम डालने के बाद जैसे आप ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए मैसेज में क्या आ रहा है, माई नेम इज, और देन यहाँ पर str, जो भी इनपुट करेंगे नाम वो str में स्टोर हो जा रहा है, तो हमको प्रिंट हो जा रहा है रवि भारद्वाज, माई नेम इज रवि भारद्वाज। ठीक है, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज रवि, देन ओके में क्लिक कीजिए, देखिए आपका नाम यहाँ पर प्रिंट हो गया। सो फ्रेंड्स, ये है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, जिसकी हेल्प से आप यूजर इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहे आप वैसा मैसेज दिखा करके, जैसा चाहे वैसा आप इनपुट यहाँ पर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स को यूज किया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। अगर आप चाहें तो आप किसी बटन पे क्लिक करें तो आपके पास प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स आए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको HTML में एक बटन बनाना होगा। तो बटन बनाने के लिए इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, देन यहाँ पर फॉर्म को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म तो यहाँ पर वैसे पहले से क्लोज है पिछले प्रोग्राम का, ये हो गया। देन यहाँ पर हम लोग एक बटन क्रिएट करते हैं, बटन क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, उसके बाद वैल्यू, जो बटन का आप नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं बटन का नाम देना चाहता हूँ क्लिक मी, ठीक है, ये बटन का नाम डिस्प्ले होगा। देन ऑन क्लिक, जब उस बटन पे आप क्लिक करें तो क्या परफॉर्म हो, इस बटन पे क्लिक करें तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कॉल हो जाए, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का नाम को आप यहाँ पर पास कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए फंक्शन को मैं यहाँ पर पास कर दिया। चलिए अब प्रोग्राम को सेव किए, देन प्रोग्राम को रीलोड करते हैं, तो देखिए आपके पास एक बटन आ गया है क्लिक मी। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका ये फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा और आपके पास एक ऐसा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर मैसेज में लिखा हुआ है कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर आप अपना जैसे ही नाम डालेंगे देन ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको
सेकंड जो मैंने यहाँ अलर्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कराया था, तो ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो गया जहाँ पर मैसेज में लिखा हुआ है माय नेम इज, देन यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगी, तो जो भी आप इनपुट करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।